नमस्कार, MI प्लस न्यूज नेटवर्क में आप सबका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आइए चलते हैं आज की ताजा खबरों की तरफ MI प्लस न्यूज नेटवर्क के साथ। मुरलीगंज के BL हाई स्कूल में आयोजित विज्ञान गणित एवं पर्यावरण प्रदर्शनी का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर जिला पदाधिकारी नवदीप शुक्ला ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्कूल के हेडमास्टर ने की, वहीं संचालन शिक्षिका नीलू रानी ने की। इससे पहले कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों और जिला पदाधिकारी ने छात्र छात्राओं द्वारा बनाए गए प्रदर्शनी का मुआयना किया। जिला पदाधिकारी द्वारा विज्ञान प्रदर्शनी की सराहना की गई। तो जीवन में जो अलग अलग एस्पेक्ट हैं उसको हमेशा उसके ग्रुप कर देखिए। विज्ञान उसका एंटीथेसिस नहीं है। ये जो ह्यूमैनिटी की ब्रांच है, जो कला संकाय है, उसका भी समाज में बहुत उपयोगी योगदान है और विज्ञान का अपना उपयोगी जो उपयोगिता है वो किसी से छुपी नहीं है। लेकिन इन दोनों के बीच जो सामंजस्य है वो बहुत जरूरी है। तो जीवन में जब भी आप लोग आगे बढ़िए, किसी भी क्षेत्र में आगे कीजिए, ये जो भावनाओं का और विज्ञान का आपसी सामंजस्य है इसको हमेशा बना के रखिए। एक बात तो वो है जो कहीं ना कहीं किताबों में लिखी हुई है, हम सब पढ़ते हैं उनको, और एक वो है जो हमारे दिमाग से कुछ नया सोचते हैं। हर बार हम सही दिशा में सोचे, ये हमारे जो सोच है वो एक सही मूर्त रूप ले ले, ये कोई जरूरी नहीं है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे आविष्कार किए हैं, उन सब में भी यही है कि जो उनका फेलियर का रेट है, कहते हैं कि जब 999 बार असफल होने के बाद 1000वें प्रयास में सफलता मिली। तो विज्ञान इस प्रकार का एक चीज है। आप में से जो लोग भी विज्ञान में आगे चल के भी जीवन में अभिरुचि रखें, हमेशा इस बात के आयोजन रखें कि एक ऐसा सरकार है जो हमेशा बहुत कठिन परिश्रम और प्रयत्न आपसे मांगता रहेगा। इसमें ही आप लोग अपने मॉडल बना रहे थे, तो कुछ मॉडल्स ऐसे थे तो निश्चित रूप से आप लोग जानते होंगे कि पहली बार में आपको सफलता नहीं मिली होगी। आपने कुछ उसमें प्रयोग किए, आप जाने होंगे कि ये करने से ऐसा नहीं हो सकता है। एक बहुत मशहूर वाक्य है वो जो बिजली को बल्ब का आविष्कार हुआ उसको लेकर है। तो एडिसन साहब जिन्होंने इस बल्ब का आविष्कार किया तो काफी निराश हो गए थे, काफी उनके प्रयोग जो है वो अनसक्सेसफुल हो चुके थे। एक बार कैसे किसी ने उनसे पूछा कि भाई आपके जो प्रयोग चल रहे हैं इसकी क्या प्रोग्रेस है, तो ये बोले कि एग्जैक्ट नंबर तो मुझे याद नहीं, लेकिन संभवतः तो इस प्रकार से था कि मैं जान चुका हूँ कि 1200 ऐसे तरीके हैं जिनसे बल्ब नहीं बनाया जा सकता है। तो कहने का मतलब कि कम से कम उन्होंने 1200 अलग अलग तरीके आपने एलिमेंट ट्राई किए, लेकिन उससे बल्ब नहीं बन सका। उसके बाद आने वाले समय में उन्हें उसमें सफलता मिली। तो ये कि ऐसी चीज है, नए नए विचार आएंगे, कई बार आपको बहुत एक्साइटमेंट होगा, लेकिन एक ही बार में सफलता मिले इस बात की संभावना बहुत क्षीण रहेगी। लेकिन इसका यही मतलब नहीं है कि हम लोगों ने प्रयास करना, नई दिशाओं में सोचना उसको छोड़ दें। तो हमेशा है कि नई नई बातें अपना सोचता रहना है, कुछ उसमें सफलताएं मिलेंगी, उससे कभी निराश नहीं होना है। क्योंकि उन जो आपकी असफलताएं उन प्रयोगों की, विशेष रूप से विज्ञान के क्षेत्र में बोल रहा हूँ, वही होगा कि धीरे धीरे आपको सिखाएंगे कि ये कार्य कैसे किया जाना है और कैसे नहीं किया जाना है। बाकी आपके उज्जवल भविष्य के लिए मैं अपनी मंगल कामना देता हूँ और आशा है कि आपके जो स्कूल की हीरक जयंती के अवसर पर मैं आशा करूंगा कि मुझे पुनः